इतने बजे शुरू होगा भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला। इन 11 भूखे शेरों के साथ उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच होने वाले पहले T20 मुकाबले के बारे में तमाम जानकारी हम आपको आज की इस फ्रेश वीडियो में देंगे कि आखिरकार ये मुकाबला कितने बजे शुरू होगा, इस मुकाबले को आप किस प्रकार लाइव देख सकेंगे, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करके बेहतरीन जीत दर्ज करे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले के लिए भारत और आयरलैंड दोनों टीमों की खतरनाक स्क्वाड और साथ ही क्या होगी टीम इंडिया की खूंखार प्लेइंग 11। तो दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच होने वाले इस मुकाबले के लिए आयरलैंड की टीम ने भी खतरनाक टीम का ऐलान किया है, जहां पर उनकी स्क्वाड में कई शानदार खिलाड़ी है जो यहां पर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इनकी स्क्वाड के बारे में बात करें तो इनके कप्तान है पॉल स्टर्निंग, जो कि काफी शानदार बल्लेबाजी करके दिखा सकते हैं। तो वहीं दूसरे खिलाड़ी के तौर पर एंड्रू बोरवेल भी इस टीम का हिस्सा रहने वाले है, जबकि तीसरे खिलाड़ी के तौर पर मार्क अदायर है, तो चौथे खिलाड़ी रोल अदायर है, पांचवे खिलाड़ी के तौर पर इस टीम के पास कोर्टिस कैंपस मौजूद है, तो छठे खिलाड़ी गैरेट डेलनी है, वहीं सातवें खिलाड़ी के तौर पर जॉर्क डॉर्करेल है, तो आठवें खिलाड़ी फियोन हेन है, नौवें खिलाड़ी जोशुआ लिटल है, तो दसवें खिलाड़ी बेरी मोकोटी है, जबकि ग्यारहवें खिलाड़ी के तौर पर हैरी टेक्टर है, तो बारहवें खिलाड़ी लॉर्कन टक्कर है, वहीं तेरहवें खिलाड़ी के तौर पर थियोपेन मोरकोन है, तो चौदहवें खिलाड़ी बेन व्हाइट है, जबकि पंद्रहवें खिलाड़ी के तौर पर क्रेग यंग मौजूद है। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो इस टीम के पास कई शानदार खिलाड़ी है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन हम सबकी निगाह कप्तान पॉल स्टर्निंग के अलावा एंड्रू बरवल, साथ ही साथ लॉर्ड टक्कर और हैरी टेक्टर के ऊपर रहने वाले हैं, जो कि इस टीम के लिए पहले भी कई बार शानदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं। वहीं पर दोस्तों, दूसरी तरफ टीम इंडिया की हम बात करें तो टीम इंडिया के लिए कप्तानी करते हुए नजर आएंगे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह यहाँ पर एक बार फिर वापसी करते हुए नजर आएंगे, तो वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, ऐसे में उनसे शानदार वापसी की उम्मीद होगी। तो वहीं पर टीम के उप कप्तान के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ दिखेंगे, तो वही नंबर 3 पर यशस्वी जायसवाल मौजूद है, तो चौथे खिलाड़ी के तौर पर तिलक वर्मा है, वही पांचवें खिलाड़ी के तौर पर रिंकू सिंह है, तो छठे खिलाड़ी के तौर पर संजू सैमसन है, सातवें खिलाड़ी जितेश शर्मा है, तो आठवें खिलाड़ी के तौर पर शिवम दुबे मौजूद है, नौवें खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर मौजूद है, तो दसवें खिलाड़ी शाहबाज अहमद है, जबकि ग्यारहवें खिलाड़ी के तौर पर रवि बिश्नोई मौजूद है, तो बारहवें खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा है, तो वहीं तेरहवें खिलाड़ी के तौर पर अर्शदीप सिंह है, तो चौदहवें खिलाड़ी के तौर पर मुकेश कुमार और पंद्रहवें खिलाड़ी के तौर पर आवेश खान मौजूद है। यानी कि दोस्तों, भारतीय टीम की यह युवा टीम भी काफी खतरनाक नजर आ रही है, लेकिन सबकी निगाह जसप्रीत बुमराह की वापसी पर ही होगी कि आखिरकार वो किस प्रकार की वापसी करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को देखा जाए तो टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल। दोनों बल्लेबाज यहाँ पर भारतीय टीम के लिए काफी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, नंबर 3 की हम बात करें तो यहाँ पर हमें तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। तिलक वर्मा भी काफी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो वहीं पर नंबर 4 पर रिंकू सिंह दिखेंगे, तो नंबर 5 पर संजू सैमसन खेलते हुए नजर आएंगे, तो वहीं पर नंबर 6 पर शिवम दुबे उतरेंगे, तो नंबर 7 पर वॉशिंगटन सुंदर उतरने वाले हैं। इसके बाद नंबर 8 की हम बात करें तो यहाँ पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे रवि बिश्नोई, तो नंबर 9 पर प्रसिद्ध कृष्णा उतरेंगे, जबकि नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 11 पर मुकेश कुमार उतरने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो काफी खतरनाक प्लेइंग 11 नजर आ रही है, जो कि पहले T20 मुकाबले में कमाल कर सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह के साथ साथ संजू सैमसन के ऊपर रहेगी। लेकिन भारतीय टीम T20 की खतरनाक टीम नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों, इस मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 पर शुरू होगा, जिसे आप जियो सिनेमा ऐप पर लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, कौन सी टीम इस मुकाबले में बाजी मारेगी, भारत या फिर आयरलैंड? आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।